नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी जब जब करता है पुलिस वाले करता है, अरे मोदी जब जब करता है पुलिस वाले करता है। सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस और यूपी पुलिस को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की एफआईआर को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को पवन खेड़ा को अंतरिम राहत देने के निर्देश दिए है। दरअसल हाफलोंग पुलिस थाने में पवन खेड़ा के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 बी 500-504 के तहत मामला दर्ज किया था। पवन खेड़ा कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ रायपुर जा रहे थे। दिल्ली पुलिस द्वारा पवन खेड़ा को हिरासत में लिए जाने के बाद कई कांग्रेस नेताओं ने उनके समर्थन में दिल्ली एयरपोर्ट पर ही धरना शुरू कर दिया था। इसके चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर खूब हंगामा हुआ और पुलिस अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। हालांकि पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बता दें कि हाल ही में पवन खेड़ा ने अडाली मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दरअसल पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री का पूरा नाम बोलते हुए उनके पिता का गलत नाम बोल दिया था। गलती सुधारी भी, लेकिन बाद में फिर गलत नाम लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा था, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने पवन खेड़ा के बयान की तीखी आलोचना की थी। थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र गौतम दास सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते। That's true. जी अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी। पवन जी साफ कह रहे हो, ये देखिए यहाँ से अरेस्ट।